टीवी भारत, आवाज देश की। यूपी के जनपद हापुड़ के थाना बाबूगढ़ में आधा दर्जन से भी अधिक हथियारों से लैस नकाबपोश डकैतों का आतंक देखने को मिला है। थाना बाबूगढ़ के गांव नली हुसैनपुर में डकैतों ने एक ही रात में तीन जगह, दो घरों में, एक डाकखाने में बेखौफ होकर आतंक मचाया। एक ही रात में डकैत करीब 30 लाख की ज्वेलरी और 1 लाख रुपए की नकदी लेकर फरार हो गए। आपको बता दें कि बाबूगढ़ के गांव नली हुसैनपुर में बेखौफ डकैतों ने यूपी पुलिस के दारोगा के परिवार, दरोगा के भाई, बीजेपी कार्यकर्ता के परिवार की महिलाओं और मासूम बच्चों को हथियारों की नोक पर बंधक बना लिया और करीब 30 लाख रुपए की ज्वेलरी और 1 लाख रुपए की नकदी लेकर फरार हो गए। जाते हुए डकैत पोस्ट ऑफिस से 10,000 रुपए और एक घर से हजारों की नकदी भी ले गए। सूचना मिलते ही पुलिस और फोरेंसिक जांच टीम घटना स्थल पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। सर, रात को वो आए, 8-10 लोग थे, हम दोनों भाई नीचे लौटे हुए थे। उन्होंने सारे बच्चों को बंधक बनाया, सेफ की चाबी ली और सारा सामान जो ज्वेलरी और कैश था वो ले गए। दो तो हमारी गैल गैल है, हेल्प करके पहले तले गए, इन लोगों की चाबी दे, मैं मना करने लगी, फिर उन्होंने धर दी न्यू आदमी हमारा कोई ना नहीं चाहिए, हम सिर्फ मेरी दो सास ही, दो हम बहन है, तीन बच्चे चले गए अंदर लेकर, मैंने वह लोगों की चाबी दे दी, मेरी लोगों की चाबी, फिर उंगा का कमरा नहीं, इस लोगों की चाबी दो उसकी, हमने जैसे मैं मना करने लगी शीशे में धरी तो उन्होंने ना आप ही जैसा खोला तो वह वहीं पा गई हमारी अम्मा की सेब की चाबी आए, फिर इंगे बंधक बना के बाल करने भी हमने भी सारे ना कमरे में बंद करने लगे। बाबूगढ़ में गांव है नली हुसैनपुर, यहाँ सुबह सूचना मिली कि किसी एक परिवार में के घर में डकैती पड़ी हुई है। मौके पर पुलिस पहुंची, मैं भी पहुंचा और उनके यहाँ काफ़ी सामान उठा के ले गए, उन्होंने तहरीर दिया है थाने के लोग, जिस पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और जो भी अपराधी हैं उनको पकड़ा जाएगा जल्द। एबीटीवी भारत के लिए हापुड़ से तुषार शर्मा की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।